नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज में शेखर उपल आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं आज दिन भर के प्रमुख खबरों की तरफ। जिला चिकित्सालय के सफाई कर्मचारियों ने आज सिविल सर्जन को दिया ज्ञापन। सफाई कर्मचारियों के अनुसार उसके स्वीपर का काम तो करना ही पड़ता है, इसके साथ ही वार्ड बॉय एवं अन्य काम भी उनसे लिए जाते हैं, जिसके चलते उन्हें जो तनख्वाह दी जाती है वे बहुत कम है। वहीं सफाई कर्मचारियों ने बताया कि पहले जब ठेका प्रथा थी तो उन्हें समय पर 4,500 से लेकर 5,200 रुपए तक मिलते थे और साथ ही ये वेतन समय पर दिया जाता था, लेकिन जब से रोगी कल्याण समिति के द्वारा काम करवाया जाने लगा है तब से इन सफाई कर्मचारियों को मैच 3,500 रुपए ही मिल रहे हैं। वे भी समय पर नहीं मिलते, कई बार तो 2-2 महीने तक इन्हें तनख्वाह नहीं मिलती है। इसके चलते कई बार जनसुनवाई में आवेदन देने के बाद भी एवं कलेक्टर से निवेदन करने के बाद भी जब उनका कुछ नहीं हुआ तो उन्होंने आज प्रभारी सिविल सर्जन को ज्ञापन सौंपा। वहीं सफाई कर्मचारियों की माने तो जब भी वे सिविल सर्जन से अपनी तनख्वाह बढ़ाए जाने की बात करते हैं तो सिविल सर्जन उन्हें हमेशा नौकरी छोड़ देने की धमकी देते हैं। वहीं जब हमने बात आज प्रभारी सिविल सर्जन SP जैन से की तो उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं जैसा सफाई कर्मचारियों ने बताया है। जितना वेतन स्वीकृत किया गया है शासन द्वारा उन्हें उतना ही दिया जा रहा है, साथ ही उनसे किसी भी तरह का कोई गलत व्यवहार भी नहीं किया जाता है। इसके बाद सिविल सर्जन ने बताया कि जो ज्ञापन आज सफाई कर्मचारियों ने दिया है उससे कलेक्टर महोदय से बात की जाएगी और जो भी अच्छा हो सकेगा वो उनके लिए किया जाएगा। देखो हम तो काम तो कर ही रहे हैं, लेटरिन बाथरूम भी धो रहे हैं, झाड़ू पोछा भी कर रहा है, वार्ड बॉय को भी कर लेते हैं काम पूरा, जहाँ तक के धोबी तक को करा रहे हैं काम है। कपड़ा लाओ वहां से जहाँ डालो फिर गिनो, उन्हें नंबर बता के बताओ कि नंबर बताओ पहले, तो जब लाऊंगा मैं धोबे में 3,500 रुपये हम जो सब रही काम कर ले हम बड़ाई वही डाली 3,500 रुपये तनख्वाह। हमको जो है सर के वो कहते हैं कि 3,500 रुपया मिलेंगे, आपको करना है तो करो, नहीं करना तो जाओ घर पे, और हटाने की दोस्त बताते हैं और अपना पूरा गंदा संदा लेटरिन का भी काम, गटर का, चैम्बर का, और जो डेड बॉडी का पूरा काम, ये सभी हम काम कर रहा है और गंदा संदा कचरा भी हम ही भर रहा है। देखो नंगे पैर बढ़ाने की मांग थी तो हमसे कहने लगे थे यार टिकट में ले रहा है कि तुम्हें 3,500 में करना हो तो करो वरना मत करो, नहीं घर जाओ सभी लोग। क्या नाम है आपका? मेरा प्रमोद बाल। कितने लोग हो आप? हमें कम 40-45। इसके पहले आपको सैलरी क्या मिलती थी? जब ठेका प्राइवेट था तो जब हमको मिलती थी 5,200 रुपये पेमेंट, जब हमको 5,200 रुपये में लगती और टेम पे में लगती। अब तो हमको 15-16 तारीख से पहले 15-16 तारीख हमें चार छुट्टी भी नहीं मिलती। हम छुट्टी काट लेते हैं वो भी काट लेना, और हमसे 4,000 की कह के अबे बीच में फिर भी हमको सबको सबकी काट के पेमेंट बनाई। इसके सुनवाई नहीं, हम 2-3 बार हम जन सुनवाई में ही फिर आए और परसों के दिन कलेक्टर साहब भी आए थे, हमने उनसे भी निवेदन किया तो फिर ये की कि मैं कुछ करूँगा, मगर अभी तक उनका भी कोई जवाब नहीं आया हमारे पास। और आज तो ये बोलने लगे कि तुम हट जाओ 3,500 पे दस्तखत करो, कोरे कागज पे हमसे दस्तखत करवा रहे हैं। वो समस्या कुछ भी है, सरकार ने रोगी कल्याण समिति से सफाई करने की व्यवस्था दी है, उसके अंदर ये अंशकालीन उसमें सफाई कर्मी में रखे गए हैं और इसको पूर्व DM राजेश जैन द्वारा 3,500 रुपये में फीस अनुमति दी थी, उन्हें 1,000 रुपये किया जा रहा है। अब इसका कहना यह है कि हमारे को और पैसा दिया जाए उस संबंध में मैं उसी अभियान का तो मिल जाएगा। तो सर इन लोगों का सर कहना ये है कि मतलब डॉक्टर साहब हमको मतलब बीच में वो करते हैं, नहीं काम करने के लिए तो बोलना पड़ेगा। अगर आप काम करने के लिए नहीं बोलेंगे तो बिना काम के लिए जैसे सफाई करनी है सफाई करनी के लिए तो बोला जाएगा, तो अगर वो सफाई नहीं करेंगे तो फिर हम रखेंगे टाइट। ठीक है,
मैं आपको वो लेटर दिखाता हूँ जिसमें हमने सहमति दी है। तो सर सर नहीं अभी आपने सर उनको मतलब क्या बोलिया पसंद दिया है क्योंकि इन्होंने मान दी है तो मैं इनका जो पत्र है वो कलेक्टर को पहुँचाऊँगा अगर वो उनका कुछ पैसे बढ़ाते हैं तो। बीनागंज से मुरादपुर पढ़ाकर लौट रहे शिक्षक का ट्रैक्टर से हुआ एक्सीडेंट, वहीं मौके पर उनकी मौत हो गई। बता दें कि राजेंद्र कुमार सेन मुरादपुर से शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं, वहीं बीनागंज में रहते हैं, साथ ही रोज अप डाउन करके स्कूल पहुंचते हैं। वहीं जब स्कूल से छुट्टी के बाद वे बीनागंज लौट रहे थे तभी तेजी से आ रहे एक अनियंत्रित ट्रैक्टर ने उन्हें टक्कर मार दी जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। घर जा रहा था, घर जाते टाइम ये यहीं पे हुआ दौराना और सांडा के बीच में। तो ये पढ़ाने कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये बीना से डेली अप डाउन करते थे यहाँ मुरादपुर स्कूल पर। कहाँ से हुआ एक्सीडेंट? ट्रैक्टर से हुआ। क्या नाम था? राजेंद्र कुमार सेन। कहाँ रहते थे, कौन सा गाँव? पालने वाले इनका बीना था, रहने वाले ग्राम राम के नाम से। पिपलौदा में रहने वाले एक युवक की करंट लगने से हुई मौत। बता दें कि युवक शिवचरण जाटव अपने खेत में पौधों को पानी दे रहा था जिससे अचानक उसे करंट लग गया, वहीं उसकी मौके पर ही मौत हो गई। परिजन जिला चिकित्सालय लेकर आए जहां डॉक्टरों की टीम ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद उसका पोस्टमार्टम कराया गया। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। कहाँ के रहने वाले थे? पिपलौदा आरू। क्या नाम था भैया का? शिवचरण। शिवचरण जाटव। तो क्या कि मतलब खेत में पानी दे रहे थे? भटूर भटूर ऐसे पौधे पौधे लग रहे हैं दो चार छः जी एग्जाम्पल मान लो लगने के तेरह मेरन के गाँव वहाँ जिनमें पानी दे रहे थे। आपका नाम क्या है? हरी सिंह। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार चिटफंड कंपनियों का कार्य करना जायज नहीं है, उसके बाद भी शहर में धड़ल्ले से काम कर रही हैं चिटफंड कंपनियां। वहीं इन चिटफंड कंपनियों के खिलाफ आज से आंदोलन तेज हो गया है। बता दें कि जिला चिटफंड कंपनी संघर्ष समिति के नाम से शुरू की गई ये मुहिम के तहत आयोजकों ने बताया कि उन्होंने पुलिस को अप्रैल 2017 में शिकायत दर्ज करानी चाहिए थी, लेकिन पुलिस ने एक साल बाद यानी कि अप्रैल 2018 में इनकी एफआईआर दर्ज की। वहीं आयोजकों ने आरोप लगाया कि पुलिस की मिलीभगत के चलते ही ये चिटफंड कंपनियां गुना से करोड़ों रुपया बटोर कर ले गई है, जिन्हें समय रहते यदि पुलिस कार्रवाई कर लेती तो शायद लोगों का पैसा डूबता नहीं। आयोजकों ने जल्दी पुलिस के खिलाफ भी एक आंदोलन करने की बात कही। आपको बता दें कि ऐसा नहीं कि एकमात्र कंपनी गुना से लोगों का पैसा लेकर भागी हो, आज भी कई ऐसी कंपनियां गुना में कार्यरत हैं जो लोगों को ठगी करने का काम कर रही हैं। वहीं इन कंपनियों के दफ्तर के आगे कोई बोर्ड भी लगा हुआ नहीं होता, सिर्फ इनके एजेंट घर घर जाकर भोले भाले लोगों को फंसाने का काम कर उन्हें लालच देकर मोटा पैसा उनसे हड़पने का काम करते हैं। सूत्रों के मुताबिक इस समय गुना में तकरीबन दो दर्जन से अधिक कंपनियां कार्यरत हैं जो किसी न किसी माध्यम से लोगों से पैसा लेकर ठगी कर रही हैं, लेकिन प्रशासन की मौन स्वीकृति इन कंपनियों के साथ सदैव की भांति बनी हुई है। ऐसे मस्ती हो रही सारे जिला पालो बाकी टाई भाई लगा जो पार्टी में देते हैं वो मारा है नहीं वो है ये वो थे बैंकर सिंह कर दे दी एक मिनट बोले तुम्हारा लक्ष्मीनारायण नामदेव नंदकिशोर लप्पन जी क्या एक हटके बक्के मैदान छोड़े 8 लाख के आसपास।
अपने मतलब बहुत परेशान हूँ और मेरे को टेंशन भी बहुत रहने लगा, मेरे पब्लिक भी बहुत परेशान कर रही है। तो आपने 8 लाख रुपये मतलब कैसे जमा किया था, किस्तों में या कोई उसका बता? किस्तों में करे तो घर आकर लेगा मुझसे तो पैसा। तो आपने 8 लाख कितने साल में जमा किए थे? कुछ कुछ एफडियां भी थी, महीने का भी था, कुछ कुछ सबका, हमारा भी है, परिवार का भी है। लाइफ इंडिया एंड ग्रीन में हर कंपनी में पैसा जमा है। कुछ सुरेश शर्मा घर से पैसा लेके जाते थे और इसके अलावा है ना, हमने 11 अप्रैल 2018 को FIR कटवाई, आज दिनांक तक कोई डायरेक्टरों की ना तो गिरफ्तारी हो रही है। इसमें सुरेश शर्मा, बाईपी शर्मा, अमानत अली गिरिराज पांडे, दीपक शर्मा जी, ये कंपनी के और भी डायरेक्टर हैं, इन लोगों की FIR कटने के बाद हम गिरफ्तारी चाहती है और सभी बहनों का पैसा दिलवाया जाए। गुना जिले की हजारों महिलाएं परेशान हैं सर। कभी आप अपने उनसे मतलब बात की इस मैटर में, जो अधिकारी वहाँ बैठते थे बैंक में, तो हमारा पैसा वापस? वो तो सर भाग चुके सर, फोन भी नहीं उठाते सर, ताला लग रहा है सर, हमारा सभी बहनों का पैसा दिलवाया। आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, किताब जो सभी है सर हम लोगों के पास? अप्रैल 11 तारीख को गुना कोतवाली में FIR दर्ज हो गई है, धारा 420 के अंतर्गत। यहाँ के एक दर्जन लोगों ने महिलाओं को निशाना बना के, गरीबों को निशाना बना के, मजदूरों को निशाना बना के लगभग 1.140 करोड़ यानी 150 करोड़ रुपया गुना के आसपास क्षेत्रों से लूटा और ये लोग भाग गए। पुलिस ने जानबूझ के इनको भगाया, क्योंकि हमने एक साल पहले से अप्रैल 2017 से हम लड़ाई लड़ रहे थे और इन्होंने FIR अप्रैल 2018 में की और आज दिनांक तक उनको गिरफ्तार नहीं किया। वो लोग यहीं घूम रहे, जो यहाँ का मैनेजर कोई बघेल करके है वो यहीं घूम रहा है, नंद किशोर लब्बन सिंह यहीं घूम रहा है, लक्ष्मी नारायण नानदे यहीं घूम रहा है, एक प्रसाद शर्मा यहाँ भी घूम रहा है, अमानत अली यहाँ घूम रहा है और इन लोगों को, उन लोगों को गिरफ्तार पुलिस नहीं कर रही। हम पुलिस के खिलाफ एक बहुत बड़ा महिलाओं को लेकर के हम आंदोलन करने जा रहे हैं। जन सुनवाई में ग्रामीण पहुंच रहे हैं भावांतर में पैसा न मिलने की शिकायत को लेकर। ऐसे ही एक किसान जन सुनवाई पहुंचे, जिन्होंने बताया कि तकरीबन 1 लाख रुपए से ऊपर उनका बकाया है जिसका भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। कई बार अधिकारियों के चक्कर काटने के बाद भी उसे अभी तक पैसों का भुगतान नहीं हुआ है। वहीं सोयाबीन की फसल भी बारिश के चलते पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। किसान का आरोप है कि अधिकारियों के चक्कर काटने के बाद भी और आवेदन जन सुनवाई में कई उम्र देने के बाद भी कोई निराकरण नहीं हो पाया है। इस किसान ने यह भी आरोप लगाया कि अधिकारियों के मिलीभगत के चलते भावांतर का पैसा नहीं मिल पा रहा है। वहीं किसान इतना व्यथित हो गया है कि उसने कहा कि यदि जल्द ही उसे पैसा नहीं मिलेगा तो वे आत्महत्या कर लेगा। और मैं बहुत परेशान हूँ सर, सोयाबीन की फसल में खराब हो गई, फसल की खराब हो गई, पैसे नहीं दे पा रहा। तो आप ज्ञापन मतलब कब से आ रहे हैं ज्ञापन देने? मैं सर पांच बार गया कलेक्टर साहब के पास, कोई सुनवाई नहीं हो रही। और राजेश भगवंशी जी है ना, भी कह रहा है एक दो नाम कल डाल दूंगा, परसों डाल दूंगा, पैसा नहीं डाल रहा है, 4 महीने से परेशान कर रहे हैं। और मैडम जी के पास भी गया था वहाँ साबरा पंचायत में रहने वाले ग्रामीण पहुंचे जन सुनवाई में, जहां उन्होंने बताया कि उनके गांव में अभी तक ना तो कुटीर बने हैं और ना ही शौचालय बने हैं। वहीं मूलभूत सुविधाओं के नाम पर भी गांव में कुछ नहीं है। जन सुनवाई पहुँच कर निवेदन किया कि उनके गांव में शौचालय एवं कुटीरों का जल्द ही निर्माण किया जाए। ना तो अभी तक वहाँ पे कोई कुटी की है, ना पीएम आवास का कोई नाम है, ऐसे नहीं था, कोई नाम ही नहीं है, ना ही कोई गैस कनेक्शन कोई नाम है अभी तक। और कुछ शौचालय बन भी गए हैं और कुछ शौचालय
तो पेमेंट नहीं हो रहा, कुछ का तो पेमेंट हो गया लेकिन कुछ का जो बन गया उनका पेमेंट अभी तक नहीं हो रहा है। अभी तक तुम्हारे गाँव में कुटी एक भी नहीं बनी? एक भी नहीं, काम ही नहीं है। कितने लोगों की बस्ती है? 200 कम से कम, 100 आईडी है यहाँ पे, कम से कम 100 नए मकान बन रहे हैं। तो तुम्हारे भागा जो सेक्रेटरी है उससे हमने कहा होगा, उसने क्या बोला? ये हमने कई दफे सर सरपंच साहब भी मदद कर रहे हैं, ऐसा सेक्रेटरी मेजर साहब भी कर रहे हैं, सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है रोजगार साहब, परेशान कर रहे हैं। क्या नाम है? द्रुप्ति जाट जी, उसका आवेदन। ग्राम शामलीनाथ में पहुंचे ग्रामीणों ने बताया कि उनके गांव में 2005 से लेकर 2010 के बीच में जो सचिव थे इन्होंने लाखों रुपए का गबन किया है। ग्रामीणों का आरोप है कि लक्ष्मण अहिरवार नाम के सचिव ने तकरीबन 25 लाख रुपए का गबन यहां इस गांव में किया है। ग्रामीण ने आरोप लगाया कि इस गबन में उनके साथ में अधिकारी भी शामिल है, जिसके चलते उनने अभी तक कोई जाँच भी नहीं की गई और न ही पैसा वसूल किया गया। उन्होंने शासन से प्रत्येक कार्य के में गबन करने का आरोप भी ग्रामीणों ने उक्त सचिव पर लगाया है। ग्राम पंचायत सावरीनाथ में तात्कालिक सचिव थे लक्ष्मण अहिरवार, उन्होंने 25 लाख रुपए का गठन किया गबन किया, उसमें कई अधिकारी सम्मिलित थे लेकिन उसकी जांच आज तक नहीं हो पाई। उस समय जो शौचालय आए थे, आवास आई थी, उनका पैसा भी खा गए, और जो बिल्डिंग थी उनकी नींव तक नहीं खोदी उन्होंने और सारा पैसा खा गए। तो अभी आपके यहाँ मतलब शौचालय एक भी नहीं बना? अभी तो है, उस समय की बात 2005 से लेकर 2010 तक की बात है। इसके पहले नहीं था? इसके पहले। जिला फुटबॉल संघ द्वारा संजय स्टेडियम में राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें ग्वालियर, उमरिया, विदिशा, दमोह, कटनी, जबलपुर, टीकमगढ़, छतरपुर, रायसेन, सीहोर, शिवपुरी, गुना, मुरैना आदि जिलों की टीमें भाग ले रही हैं। बता दें कि ये स्पर्धा पहली बार गुना में आयोजित की जा रही है। अपनी फिटनेस के लिए 26वीं बटालियन ने 12 किलोमीटर दूर जाकर बजरंगण में लगाया कैंप, जहां उन्हें विषम परिस्थितियों से निपटने के लिए दिया गया प्रशिक्षण। बता दें कि किसी भी विषम परिस्थिति से निपटने के लिए सबसे पहले 26वीं बटालियन को बुलाया जाता है, इसके चलते सभी की बॉडी फिट रहे इसके लिए एक पैदल मार्च निकाला गया। वहीं कैंप के बाद इन सभी ने गुना वापस भी पैदल ही आए हैं। इन सभी की अगुवाई 26वीं बटालियन के कमांडेंट RS मीना ने की। अभी आया फोन में यार। ये फोर सिक्स साल है। कौन सी चैनल जीवन हवाई में डालने का करते हो? सर्व समाज द्वारा एसोसिटी एक्ट के विरोध में निकाली गई वाहन रैली, साथ ही टेकरी सरकार को दिया गया ज्ञापन। सर्व समाज के द्वारा निकाली गई वाहन रैली प्रताप छात्रावास से शुरू हुई, जो कि शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई हनुमान टेकरी पहुंची। इस बीच रैली में सम्मिलित हुए सभी लोग मंत्रियों, सांसद, नेताओं एवं जनप्रतिनिधियों के बारे में नारे लगाते हुए जा रहे थे। वहीं पुलिस बल भी पूरी तरह से मुस्तैद था, ताकि किसी भी विषम परिस्थिति से निपटा जा सके। सर्व समाज का यह ज्ञापन टेकरी सरकार को देने की यही मंशा थी कि कम से कम टेकरी सरकार तो इन सांसदों को सद्बुद्धि दे, जिससे वे काला कानून वापस ले सकें। Oh!
ब्राह्मण समाज द्वारा पुलिस अधीक्षक को दिया गया ज्ञापन। साथ ही मांग की गई कि कुछ दिन पूर्व अमित शर्मा के साथ जो घटनाक्रम हुआ है उसमें आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर उन्हें कड़ी से कड़ी सजा भी दी जाए। बता दें कि 19 एवं 20 तारीख की दरमियानी रात को 3 बजे अमित शर्मा एवं उनकी पत्नी के साथ कुछ युवकों ने मारपिटाई कर दी थी, साथ ही उनका पैसा एवं रकम भी लेकर भाग गए थे, जिनके बाद दूसरे दिन FIR कराई गई जिससे एक आरोपी को पुलिस ने तत्काल गिरफ्तार कर लिया, लेकिन बाकी के सभी आरोपी अभी भी पुलिस के गिरफ्त से बाहर हैं। वहीं सर्व ब्राह्मण समाज ने यह भी कहा कि जल्द से जल्द उन आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए ताकि आगे वे ऐसी कोई घटना ना कर सकें। बता दें कि इससे पहले भी ये आरोपी गुना शहर में कई गाड़ियों के कांच फोड़ लाखों का नुकसान कर चुके हैं। इसके साथ ही सर्व ब्राह्मण समाज ने एक और ज्ञापन दिया जिसमें मांग की गई कि नवीन कलेक्ट्रेट के पास बने चौराहे जिसका नाम परशुराम चौराहा है, वहां पर जल्द से जल्द भगवान परशुराम की मूर्ति को स्थापित किया जाए, जो कि अभी किसी कारणवश नहीं लग पाई है। जिस पर पुलिस अधीक्षक निमिष अग्रवाल ने बताया कि कुछ तकनीकी खामियों के चलते यहां पर मूर्ति की स्थापना अभी नहीं हो पाई है, जिनकी जल्द ही सुधार कर मूर्ति की स्थापना की जाएगी। हम सर्व सनातन ब्राह्मण समाज की तरफ से आज इस किताब को मानने इस किताब को ज्ञापन देने आए थे, जिसमें हमारे अमित शर्मा जो पत्रकार से जुड़े हुए प्रेस फोटोग्राफर हैं, उनके जो साथ जो भी दुर्घटना हुई जस्टम चौराहे पर, उनको और उनकी पत्नी को रात को मारा गया और उनके साथ लूट हुई, उसके लिए हमने माननीय एस पी साहब जी को ज्ञापन दिया है। उसमें अभी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है, रिपोर्ट दर्ज हो गई है, एक आदमी उसमें से भी अरेस्ट हुआ है, बाकी आदमी अभी अरेस्ट होने बाकी है। तो हमने कहा कि जो लेतलाली हो रही है उस पर पुलिस ध्यान दे और जल्दी से जल्दी उन पर कार्रवाई करे और उनके गिरफ्तार। और एक और मैटर, दूसरा मैटर, एक मैटर और, एक मैटर वो है जो यहाँ बली बाबा के पास में जो परशुराम चौराहे का निर्माण हो रहा था वो काम अभी कुछ रोक दिया गया है। पुलिस का ऐसा मानना है कि उसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट है, तो एस पी साहब से हम लोगों निवेदन किया, एस पी साहब ने उसमें ये बताया या तो उसका जो पुलिया जो है वो चौड़ी हो जाए या जो सराउंडिंग एरिया उसको थोड़ा सा छोटा कर दिया जाए ताकि इस प्रकार की दिक्कत नहीं हो, घटना दुर्घटना कोई ना हो। तो हमने माननीय एस पी साहब जी की बात मानी है और आगे देखते हैं क्या कार्रवाई होती है। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।